अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल ज़ाइम की ड्रीम्स। आपका स्वागत है। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ समर स्पेशल कुल्फी आइसक्रीम, जो सबको पसंदीदा है, खासकर बच्चों को सबसे ज़्यादा पसंद है। ये देखिए बच्चों को कितनी पसंद है। चलिए हम इसको बनाना शुरू करते हैं। इसके लिए मैं लूँगी 1 लीटर फुल क्रीमी मिल्क। मैं यहाँ नंदिनी ब्रांड का ली हूँ, आप चाहे तो कौन सा भी ब्रांड ले सकते हैं। फिर इसमें मैं ऐड करूँगी टोन मिल्क 3/4 पैकेट। फुल पैकेट नहीं डालूँगी मैं, 1/2 लीटर है इसका, 3/4 पैक मैं डालूँगी। इससे हमारी कुल्फ़ी हैवी नहीं रहेगी। अगर आपको हैवी कुल्फ़ी अच्छी लगती है तो आप टोन मिल्क स्किप कर सकते हैं। हमारे यहाँ बच्चों को लाइट कुल्फ़ी पसंद है, इसलिए मैं टोन मिल्क ऐड कर रही हूँ। इसको अच्छे से मिक्स करें। इसको क्रीमी फॉर्म में आने दें, तब तक हमें इसको अच्छे से पकाएं। करीब 40 मिनट्स लगेंगे हमारा टेक्सचर आने तक। इसको हाई लो फ्लेम में अच्छे से पकाते रहिए। मैं यहाँ हाई भी कर रही हूँ, लो भी कर रही हूँ, इसको अच्छे से पकने दे रही हूँ। इसको अच्छे से मैं स्टर करती रहती हूँ। ये देखिए मिल्क क्रीमी कलर में चेंज होता जा रहा है। अब मैं इसमें ऐड करूँगी इलायची पाउडर। मैं यहाँ स्नैपिन का ले रही हूँ, आप चाहे तो घर पे भी इसको पीस के डाल सकते हैं। यहाँ मैं 2 टीस्पून इलायची पाउडर ली हूँ। इसको अच्छे से मिक्स कर लूँगी, इससे अच्छे से बढ़िया सा फ्लेवर आएगा। अब मैं यहाँ ले रही हूँ 400 ml का ये टिन है, इसको 3/4 टिन मैं ऐड करूँगी। फुल टिन नहीं डालूँगी क्योंकि ज़्यादा मीठा अच्छी नहीं लगती कुल्फ़ी। इसको फिर से अच्छे से मिक्स कर लें। ये देखिए कितनी बढ़िया लग रही है कुल्फी का मिक्सचर। फिर से इसको हाई लो फ्लेम पे करके पकाएं, थोड़ी देर हाई करें, थोड़ी देर लो करें, इसको हाई लो कहते हैं। इसको और 20 मिनट तक हम पकाएंगे ताकि परफेक्ट टेक्सचर कुल्फी का आ जाए। आप भी अपने घर में ट्राई कीजिए फ्रेंड्स। बहुत ही इजी और सिंपल मैं बताई हूँ आपको वे, सिंपल वे है, आप भी ट्राई कीजिए ज़रूर ज़रूर। ये देखिए कितना गाढ़ा हो चुका है हमारा कुल्फ़ी का मिक्सचर। अब मैं फ्लेम को ऑफ कर दूँगी, इसको ठंडा होने दूँगी फ्रेंड्स, रूम टेम्परेचर में आने दें, फिर इसको मोल्ड में ट्रांसफ़र करूँगी। ये देखिए अब रूम टेम्परेचर में आ चुका है, अब मैं इसको मोल्ड्स में ट्रांसफ़र करूँगी। ये देखिए कितनी अच्छी तरह से बनी है हमारी कुल्फी का टेक्सचर।
अब मैं सारा कुछ मैं एक केक टिन में ट्रांसफर कर दूंगी। काट के खाएं तो भी अच्छी लगती है हमने कुल्फी। अब मैं इसको ढक के 1 आवर के लिए फ्रीजर में रख दूंगी। 1 आवर हो चुका है, अब मैं इसमें स्टिक्स ऐड कर दूंगी। स्टिक लगाने से हमारी कुल्फी बढ़िया लगेगी खाने में। ये देखिए हमारा फाइनल लुक। ये कुल्फी निकाल के ज़्यादा देर बाहर रख चुकी थी इसलिए ये मेल्ट हो चुकी है। आपकी कुल्फी परफेक्ट निकलेगी। आज हमारे घर के बच्चे मेरे भांजी रिव्यू करेंगे। बहुत टेस्टी है। अगर आप देखना चाहते हैं तो लाइक कीजिए। टेस्टी है, यम्मी यम्मी मजेदार। अरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और घंटी बजाना चैनल को सपोर्ट कीजिए। बाय। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।